आज अपन पढ़ेंगे एनिमल सिलेक्शन, एनिमल सिलेक्शन पशुधन चयन, पशुधन चयन। देखो एनिमल सिलेक्शन या जो पशुधन जो चयन है इसकी जो कुल विधियां है या अपन जो पशुओं का चयन करते हैं वो कुल कितने प्रकार से करते हैं। देखो एनिमल सिलेक्शन या पशुधन चयन की जो विधियां है मेथड है, नंबर एक व्यक्तिगत चयन, व्यक्तिगत चयन, इसको अपन बोल सकते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल सिलेक्शन नंबर टू वंशावली चयन, वंशावली चयन इसको अपन बोलते हैं पीडिग्री सिलेक्शन, पीडिग्री सिलेक्शन। नंबर तीन संतति परीक्षण, संतति परीक्षण अपन इसको बोलते हैं परोजिनी सिलेक्शन, परोजिनी सिलेक्शन। नंबर चार प्रदर्शन वर्त चयन अपन इसको बोल सकते हैं रिंग शो सिलेक्शन, और नंबर पांच गुणांकन तालिका या फिर स्कोर कार्ड। देखो पशुधन चयन की या एनिमल सिलेक्शन के पांच मेथड है, इंडिविजुअल सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, संतति परीक्षण या प्रोजेनी सिलेक्शन, प्रदर्शन वर्त चयन, रिंग शो सिलेक्शन या फिर गुणांकन तालिका स्कोर कार्ड सिलेक्शन। अब इसमें जो पहली जो विधि है वो अपन देखते हैं, पहला जो मेथड है वो है व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन देखो व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन में क्या होता है, जब भी किसी पशु को खरीदा जाता है या पशु का चयन जब किया जाता है इंडिविजुअल या व्यक्तिगत चयन विधि द्वारा, तो अपन जिस पशु को खरीदते हैं केवल और केवल जितने भी क्रेटर्स या गुण जो देखे जाते हैं उसी पशु के देखे जाते हैं जिस पशु को अपन को खरीदना है। उसका बाप कैसा था, उसका दादा कैसा था, उसकी और पीढ़ियां कैसी थी, पिछली पीढ़ियां कैसी थी, आने वाली पीढ़ियां कैसी होगी, उनसे कोई मतलब नहीं। अर्थात इस मेथड में जिस पशु को खरीदना है उसी पशु के करेक्टर अपन देखते हैं, दूसरे या उसके वंश के करेक्टर अपन नहीं देखते। जैसे गाय भैंस को खरीदना है उसका दूध उत्पादन देख लेंगे, भेड़ को खरीदना है उसका वूल प्रोडक्शन देख लेंगे, पोल्ट्री में अगर अपन किसी भी कुकुट पालन में मुर्गी को खरीदते हैं तो उसका एग प्रोडक्शन देख लेते हैं, या उसका अगर देशी नस्ल की मुर्गियां हैं तो उसका मीट प्रोडक्शन देख लेते हैं। इस विधि में केवल और केवल वही गुण देखे जाते हैं या इस विधि में जिस पशु का चयन करना है उसी पशु के
चयन देके सॉरी गुण देखे जाते हैं, और जो गुण देखे जाते हैं वो हमेशा बाह्य गुण देखते हैं। कौन से गुण देखते हैं? बाह्य गुण। जैसे दूध उत्पादन गाय भैंस में बाह्य गुण है, एग प्रोडक्शन पोल्ट्री में एक्सटर्नल करेक्टर है, अगर अपन भेड़ में देखिए ऊन उत्पादन तो वो भी बाह्य गुण है। और बाह्य गुण देखकर जब व्यक्तिगत चयन द्वारा किसी पशु का चयन किया जाता है तो उसे अपन कह सकते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइपिक सिलेक्शन, फिनोटाइप चयन सिलेक्शन। क्योंकि एक्सटर्नल करेक्टर या बाह्य गुण फिनोटाइप होते हैं, इंटरनल करेक्टर जो होते हैं वो जीनोटाइप होते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है वंशावली विधि। वंशावली विधि हिंदी में अपन बोलते हैं पीडिग्री, सॉरी हिंदी में बोलेंगे वंशावली विधि, इंग्लिश में बोलते हैं अपन पीडिग्री सिलेक्शन, वंशावली चयन या पीडिग्री सिलेक्शन। देखो वंशावली चयन या पीडिग्री सिलेक्शन में या ये विधि जो उपयुक्त है, ये छोटे पशुओं के चयन की अच्छी विधि है। इस विधि में जब किसी छोटे पशु का चयन किया जाता है तो उसके पूर्वजों को देखा जाता है, पूर्वजों का अभिलेख देखा जाता है, और जो पूर्वजों की पीढ़ियां देखी जाती हैं वो तीन देखी जाती है। आज अपन पढ़ेंगे एनिमल सिलेक्शन। एनिमल सिलेक्शन पशुधन चयन, पशुधन चयन। देखो एनिमल सिलेक्शन या पशुधन चयन, इसके जो टोटल मेथड है या जो कुल विधियां है, पांच विधियों से अपन पशुओं का चयन कर सकते हैं। देखो पांच विधियां कौन कौन सी हैं? नंबर एक व्यक्तिगत चयन, व्यक्तिगत चयन, इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं इसको इंडिविजुअल सिलेक्शन। दूसरा मेथड है वो है वंशावली चयन में अपन बोल सकते हैं इसको पीडिग्री सिलेक्शन। नंबर तीन संतति परीक्षण, संतति परीक्षण या अपन बोल सकते हैं परोजिनी सिलेक्शन, परोजिनी सिलेक्शन। फोर्थ मेथड प्रदर्शन वर्ग चयन, प्रदर्शन वर्त चयन या अपन बोल सकते हैं रिंग सो सिलेक्शन। नंबर पांच गुणांकन तालिका, गुणांकन तालिका, इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन स्कोर कार्ड। तो देखो पशुओं के चयन की कुल विधियां कितनी हो गई? पांच, व्यक्तिगत चयन, वंशावली चयन, संतति परीक्षण, प्रदर्शन वर्ग चयन, गुणांकन तालिका या स्कोर कार्ड, रिंग सो, प्रोजिनी, पीडिग्री एंड इंडिविजुअल सिलेक्शन। अब इन पांचों विधियों में अलग अलग पशुओं को जो चयन किया जाता है उस कंडीशन या सिचुएशन में अपन अलग अलग मेथड काम में लेते हैं। जैसे अपन को किसी बड़े पशु का चयन करना है या खरीदना है तो अपन उस कंडीशन में इंडिविजुअल सिलेक्शन काम में लेंगे। अगर अपन को छोटे पशुओं को चयन करना है
तो अपन पेडिग्री सिलेक्शन या वंशावली चयन काम में लेंगे। अगर अपन को नर पशु का चयन करना है संतति परीक्षण मेथड काम में लेंगे। अगर अपन को किसी पशु मेले से पशुओं का चयन करना है तो प्रदर्शन वर्ति चयन मेथड काम में लेंगे। और अगर अपन को ओवरऑल बेस्ट या अच्छे पशु का चयन करना है तो अपन जो मेथड काम में लेंगे वो स्कोर कार्ड या गुणांकन तालिका विधि काम में लेंगे। तो देखो सबसे पहले जो विधि है वो है व्यक्तिगत चयन या फिर इंडिविजुअल सिलेक्शन। व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन में हमेशा बड़े पशुओं का ही चयन किया जाता है। हमेशा बड़े पशुओं का चयन किया जाता है। इंडिविजुअल सिलेक्शन या व्यक्तिगत चयन में बड़े पशुओं का जो चयन किया जाता है वो उसके बाह्य गुणों के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर किया जाता है, बाह्य गुणों के आधार पर किया जाता है। बड़े पशुओं का चयन की अच्छी विधि है, पशुओं का चयन बाह्य गुणों के आधार पर किया जाता है। ये जो व्यक्तिगत चयन है इसमें जब गुणों को या एक्सटर्नल करेक्टर के आधार पर पशु का चयन किया जाता है इसलिए इस विधि को फिनोटाइपिक चयन भी कहते हैं। इस विधि को फिनोटाइपिक चयन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पशु का जब चयन किया जाता है जब जितने भी करेक्टर या गुण देखे जाते हैं वो हमेशा बाह्य गुण और बाह्य गुणों को आपको पता है फिनोटाइप कहते हैं, जबकि जो इंटरनल करेक्टर्स होते हैं उनको हमेशा जीनोटाइप कहा जाता है। चयन की इस विधि को पर्सनल सिलेक्शन भी कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पर्सनल सिलेक्शन भी कहा जाता है। पर्सनल सिलेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विधि में जब पशु का चयन किया जाता है तब जिस पशु का चयन करना हो उसी के गुण देखे जाते हैं, उसकी कोई आने वाली संतान को नहीं देखा जाता या उसके पूर्वजों को नहीं देखा जाता। जब भी पशु का चयन करना हो तो जितने भी गुण देखते हैं जिस पशु का चयन करना है उसी के गुण देखे जाते हैं, इसलिए इस विधि को पर्सनल सिलेक्शन भी कहा जाता है। अब एक्सटर्नल करेक्टर के आधार पर व्यक्तिगत चयन होता है वो कैसे होता है? जैसे अपन को गाय भैंस का चयन करना है, गाय एवं भैंस का अपन को चयन करना है तो इसके एक्सटर्नल करेक्टर देखेंगे। अपन देख लेंगे गाय भैंस के चयन के लिए उसका मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन। मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन। अगर अपन भेड़ को खरीद रहे हैं तो उसका अपन देख लेंगे ऊन उत्पादन। अगर अपन भेड़ को खरीद रहे हैं तो उसका देख लेंगे अपन ऊन उत्पादन। ऐसे अगर अपन पोल्ट्री या कुकुट पालन में किसी मुर्गी का चयन कर रहे हैं तो उसका देख लेंगे अपन अंडा उत्पादन। क्या देख लेते हैं? अंडा उत्पादन। तो देखो अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन ऐसे करेक्टर हैं जो अपन को इजीली दिखाई देते हैं, इसलिए चयन की इस विधि को फिनोटाइपिक पर्सनल चयन या व्यक्तिगत चयन कहते हैं। हमेशा इस विधि में बड़े पशुओं का ही चयन किया जाता है। यह छोटे पशुओं के चयन की अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि छोटे पशु जैसे मुर्गी है वो ना तो अंडा उत्पादन कर पाती है, भेड़ है वो ना ही ऊन उत्पादन कर पाती है, गाय भैंस ना ही मिल्क प्रोडक्शन कर पाती है, इसलिए छोटे पशुओं के चयन की अच्छी विधि नहीं मानी जाती। यह केवल बड़े पशुओं के लिए ही अच्छी विधि है। दूसरी विधि है वो है वंशावली चयन। कौन सी है? वंशावली चयन। वंशावली चयन या अपन बोलते हैं इसको पेडिग्री। वंशावली चयन या पेडिग्री जो सिलेक्शन है यह छोटे पशुओं के चयन की अच्छी विधि है।
कौन से पशुओं में काम में लिया जाता है? छोटे पशुओं, छोटे पशुओं के चयन की अच्छी विधि है। इस वंशावली चयन या पेडिग्री सिलेक्शन में या अपन बोल सकते हैं कि जब भी छोटे पशु का चयन किया जाता है तब अपन उस पशु का मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, एग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या वूल प्रोडक्शन नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या अनुमान लगाते हैं कि ये जो छोटा पशु है इन फ्यूचर इतना मिल्क प्रोडक्शन करेगा या इतना वूल प्रोडक्शन ये पशु करेगा। तो देखो छोटे पशुओं के चयन की अच्छी विधि है, चयन का जो आधार होता है या छोटे पशुओं का चयन हमेशा पूर्वजों के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर किया जाता है, पूर्वजों के आधार, छोटे पशुओं का चयन हमेशा पूर्वजों के आधार पर किया जाता है। पूर्वजों के आधार पर जब चयन किया जाता है तो पूर्वजों की लगभग 3 पीढ़ियां देखी जाती हैं, पूर्वजों की 3 पीढ़ियां देखी जाती हैं। अब अपन किसी छोटे पशु का चयन कर रहे हैं, उसके माताजी का मिल्क प्रोडक्शन देख लेते हैं या उसके दादाजी का वूल प्रोडक्शन जो भी है वो देख लेते हैं और एक अनुमान अपन लगा लेते हैं कि ये पशु इन फ्यूचर इतना मिल्क प्रोडक्शन तो करेगा और उसी के आधार पर अपन उस पशु का चयन कर लेते हैं। चयन की इस विधि को पारिवारिक चयन या फिर फैमिली सिलेक्शन कहा जाता है। चयन की इस विधि को पारिवारिक चयन या फिर फैमिली सिलेक्शन कहा जाता है। तीसरा जो मेथड है वो है अपने पास में संतति परीक्षण या अपन इसको बोल सकते हैं परोजिनी सिलेक्शन। संतति परीक्षण में अपन केवल और केवल नर पशु का चयन करते हैं। संतति परीक्षण में किस पशु का चयन किया जाता है? नर पशु के चयन की यह एक अच्छी विधि है। इस संतति परीक्षण में अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई डेयरी फार्म है, क्या है, कोई भी अपने पास में डेयरी फार्म है, उस डेयरी फार्म में अपने पास में जो डेयरी फार्म है उसमें अपने पास में भैंस की एक नस्ल अपन रख रहे हैं और वो नस्ल अपन रख रहे हैं कौन सी? मुर्रा। उस डेयरी फार्म में अपन भैंस की मुर्रा नस्ल को रखते हैं। अब कोई भी रेंजर्स या पशुपालक होगा वो ये सोचेगा कि मैं इस मुर्रा नस्ल की जो मादा है, जो भैंस है, इसका करोश या संग्रहण किस नर के साथ में करवाऊं कि इन फ्यूचर जो भी अपने पास में कोई भी पीढ़ी आएगी वो अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए। अब जैसे भैंस की कुल नस्लें 15 हैं, 16 हैं, उनमें से उस रेंजर या पशुपालक को पता है कि ये तो इस भैंस की अच्छी नस्लें नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कंफ्यूज है 4-5 नस्लों में। जैसे सपोज कीजिए एक तो हो गई मुर्राई, एक उसको कंफ्यूज है जैसे भदावरी, एक उसको कंफ्यूज है सूरती, मेहसाना और नीली या रावी। कुल 15 या 16 नस्लों में से उस रेंजर या उस पशुपालक को, रेंजर्स को या पशुपालक को इस चीज का पता है कि इनमें से ये 10 नस्लें तो अच्छी नहीं है, इनके साथ में तो मुझे इस मादा का क्रॉस नहीं करवाना है इन नस्लों के साथ में, लेकिन उसको कंफ्यूज है क्या मैं इस मुर्रा का क्रॉस मुर्रा से कराऊं, भदावरी से कराऊं, सूरती से करवाऊं, महसाना से करवाऊं या फिर नीली या राई से क्रॉस करवाएं कि होने वाली संतान अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है, ये मेथड अपनाता है संतति परीक्षण। संतति परीक्षण में उस मुर्रा का पहली बार जब वो मदगाल में आएगी, ईट में आएगी, उसको गर्भित करवाना है, उसको प्रेग्नेंट करवाना है, तो उस मुर्रा का क्रॉस वो मुर्रा नस्ल के नर के साथ करवा देता है।
नूरा नस्ल के नर के साथ ही उसका क्रॉस करवा देता है, जिससे उसको एक संतान मिलती है। फिर अगली बार दोबारा इस मुर्रा का क्रॉस को किसके साथ करवाता है? बदावरी के साथ, उसको एक संतान और मिलेगी। ऐसे मुर्रा का क्रॉस को फिर करवाएगा सूरती के साथ, फिर करवाएगा मेहसाना के साथ, और फिर किसके साथ में करवाएगा? नीली या रावी। तो देखो हर बार उसको एक संतान मिलेगी। फिर वो देखता है कि इन जितनी भी ये संतान उत्पन्न हुई है उसमें से जो फीमेल है उनका वापस, ये संतान जो फीमेल होती है 3 वर्ष बाद ये प्रेग्नेंट होगी, 1 साल बाद उनकी कार्यो प्रोसेस होगी, फिर इनका मिल्क प्रोडक्शन 1 साल के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, और ऐसे सभी का मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे इसका जो मिल्क प्रोडक्शन उसको मिला, ये मिल गया सपोज कीजिए 1200 केजी पर कालविन या प्रति व्यावत काल, इसका इसको मिला 1100 केजी, सूरती का इसको मिला सूरती के साथ संग्रहण कराने पर 1300 केजी, मेहसाना के साथ क्रॉस करवाने पर मिल्क प्रोडक्शन उसको मिला 1500 केजी, और नीली रावी के साथ मिल्क प्रोडक्शन करवाने पर उसको मिला 1400 केजी। अब देखो नीली रावी की जो संतान है उसका मिल्क प्रोडक्शन 1400 केजी है, मेहसाना का 1500 केजी है संतान का, सूरती का 1300 केजी है, बदावरी का 1100 केजी है, और जो मुर्रा है उसका 1200 केजी है। अब वो रेंजर्स या पशुपालक है वो इन फ्यूचर इस मुर्रा का करोस या फीमेल मुर्रा जो बफेलो है इसके करोस के लिए जिस नर का चयन करेगा ना वो करेगा किस नस्ल का? इस 1500 केजी वाली का, अर्थात मेहसाना का वो क्या करेगा? चयन करेगा। तो इस विधि में इस मेहसाना नर का चयन किया गया है, इस विधि में संतति परीक्षण में, इसलिए संतति परीक्षण नर पशुओं के चयन की अच्छी विधि है, परोजिनी सिलेक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि परोजिनी या संतति, क्योंकि इस विधि में जब नर का चयन किया गया, जब नर का चयन किया गया वो किया गया है संतान के आधार पर। नर का चयन किसके आधार पर किया गया है? संतान के आधार पर किया गया है कि जो संतान अपन को अच्छी मिली है, जिस नर की संतान अच्छी मिली है, इसको इन फ्यूचर इस मुर्रा के क्रॉस के लिए रख लिया गया है। तो देखो संतान के आधार पर किसी भी चयन या संतान के आधार पर जो चयन की विधि होती है वो संतति परीक्षण होती है, लेकिन पूर्वजों के आधार पर संतान का चयन करना जो होता है वो वंशावली चयन होता है। यह विधि पशुधन चयन की अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि एक तो यह हाई लॉन्ग और डुप्लीकेटेड प्रोसेस है, अर्थात समय क्या होता है इस विधि में, समय ज्यादा लगता है। समय ज्यादा कैसे लगता है? कि अपन को किसी नर को चयन करना है तो 1 साल यहाँ लग जाएगा, 2, 3, 4, 5 साल तो यहाँ लग जाएंगे, फिर उनका मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड करने में फिर 3-4 साल लग जाएंगे, तब उसकी उम्र हो जाएगी या समय तो लगेगा वो 8 या 9 साल का समय लग जाएगा। अब 8 या 9 साल का जब समय लगेगा तो समय क्या हो रहा है? ज्यादा लग रहा है। हाई डुप्लीकेटेड प्रोसेस है ये, हाई डुप्लीकेटेड प्रोसेस है ये, अर्थात यह एक पशुधन चयन की महंगी विधि है। तो दो डिसएडवांटेज तो ये हो गए, चयन की सबसे ज्यादा समय लगता है, हाई डुप्लीकेटेड है, सबसे महंगी है, और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि जब नर पशु का चयन किया जाता है तब तक उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, अर्थात वो नर पशु इन फ्यूचर मादा पशु को गर्भित करने के काम में नहीं लिया जाता है। उसके बाद देखो फोर्थ मेथड है, वो है गुणांकन सॉरी प्रदर्शन चयन या रिंग शो सिलेक्शन। नंबर 4, प्रदर्शन वरत चयन या रिंग शो सिलेक्शन। देखो प्रदर्शन वरत चयन या रिंग शो सिलेक्शन में कुछ नहीं है,
पशु मेलों में पशुओं का चयन किया जाता है। अगर आपसे बोला जाए पशु मेलों में पशुओं का चयन किया जाता है, किस मेथड में? प्रदर्शन वर्ग चयन या रिंग्स ऑफ सिलेक्शन। देखो प्रदर्शन वर्ग चयन के बाद में नंबर पांचवी जो विधि है वो है गुणांकन तालिका। सबसे इंपोर्टेंट मेथड है स्कोर कार्ड। देखो गुणांकन तालिका या स्कोर कार्ड यह पशुधन चयन की सबसे अच्छी विधि है। पशुधन चयन की सबसे अच्छी विधि है कौन सी है? गुणांकन तालिका या फिर स्कोर कार्ड। देखो गुणांकन तालिका या स्कोर कार्ड जो मेथड है इसमें अपन जब भी किसी पशु का चयन करते हैं, जब भी किसी पशु को अपन परचेज करें या खरीदते हैं उस समय उस पशु को चार भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर ऑफ बेसिस डिवाइडेड इनटू फोर्थ पार्ट्स। उस पशु को कितने भागों में बांटा जाता है? चार भागों में। किसके आधार पर? नंबरों के आधार पर। जिस पशु का अपन को चयन करना है उस पशु को नंबर के आधार पर चार भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? नंबर एक सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप। नंबर दो डेयरी या अपन बोल सकते हैं दूध उत्पादन, डेयरी या मिल्क प्रोडक्शन। नंबर तीन शरीर क्षमता, अपन बोल सकते हैं बॉडी कैपेसिटी। नंबर चार आयन तंत्र। या मेमोरी सिस्टम। तो देखो पशु को सामान्य स्वरूप मतलब जनरल अपीयरेंस, पशु को चार भागों में बांट देते हैं नंबर के आधार पर, और जो टोटल नंबर रखे जाते हैं या पूर्णांक जो होता है वो कितने होते हैं? 100 अंकों के आधार पर पशु को चार भागों में बांट दिया, जनरल अपीयरेंस, डेयरी या मिल्क प्रोडक्शन, बॉडी कैपेसिटी या फिर मेमोरी सिस्टम। अब देखो इसमें भी इसके अलग अलग नंबर डिटर्मिनेट किए गए हैं या निर्धारित किए गए हैं। जनरल अपीयरेंस के जो नंबर निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं 30 अंक। कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 30। डेयरी के 20, शरीर क्षमता या बॉडी कैपेसिटी के 20 और आयन तंत्र के अंक जो डिटरमिनेट किए गए हैं वो किए गए हैं कितने? 30। टोटल कितने हो गए ये? 100। अब जब भी अपन किसी भी पशु को खरीदने के लिए जाते हैं या अपन को पशु को खरीदना होता है तो सबसे पहले उस पशु का अपन जनरल अपीयरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? उस पशु का जनरल अपीयरेंस देखेंगे या सामान्य स्वरूप देखेंगे। सामान्य स्वरूप में उस पशु को मुख्य रूप से उस पशु का व्यवहार देखेंगे, उस पशु का स्किन देखेंगे, उठने बैठने का तरीका देखेंगे, जो भी जनरल चीजें होती हैं वो सभी सामान्य स्वरूप में अपन देखेंगे। और अपन को देखने के बाद लगा कि यह पशु सामान्य स्वरूप में अच्छा है, इसके हॉर्न अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छा लग रहा है और अपन को लगा कि वास्तव में यह पशु अच्छा है, तो उसके अंक अपन को पता है 30 अंक है,
तो अपन उसको लगभग अगर अपन को अच्छा लगता है तो अपन उसको कितने अंक दे देंगे, 28 अंक। फिर अपन ने देखा डेयरी या दूध उत्पादन, डेयरी या फिर मिल्क प्रोडक्शन। अपन को पता है कि इसका जो डेयरी या मिल्क प्रोडक्शन है इसके अंक जो निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं 20। अपन ने देखा उस पशु का दूध उत्पादन अच्छा है या नहीं है। अपन ने देखा कि उस पशु का दूध उत्पादन जैसे सपोज कीजिए अच्छा नहीं है, उस वो पशु कमी ही दूध उत्पादन कर रहा है, तो 20 में से अपन नंबर दे देंगे उसको कितने, 10। वो अपन दे देंगे उस कंडीशन के हिसाब से देंगे कि कितना दूध उत्पादन कर रहा है। बॉडी कैपेसिटी, बॉडी कैपेसिटी अपन ने देखा कि उस पशु की बॉडी कैपेसिटी या शरीर क्षमता है ना वो बहुत अच्छी है, तो 20 अंक में से उसको अपन अंक दे देंगे कितने, 18। और अयन तंत्र या मेमोरी सिस्टम के अंक जो डिटरमिनेट किए गए हैं वो किए गए हैं 30। जो 30 अंक डिटरमिनेट किए गए हैं अपन ने देखा उस पशु का अयन तंत्र या मेमोरी सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं है, कमजोरी है, क्योंकि अपन को पता है दूध उत्पादन अगर कम कर रहा है तो सीधी सी बात है उसका मेमोरी सिस्टम कमजोरी होगा, तो उसका मेमोरी सिस्टम या अयन तंत्र है ना जो 30 अंक है उसको अंक दे देंगे अपन लगभग 25। सॉरी कमजोर है इसका मतलब अपन 20 ही देंगे उसको, कितना दे दिया 20। तो ये देखो कितना हो गया, 8 और 8 16 और 1 2 और 1 3 4 5 और 2 7 कितने हो गए, 76 हो गए। अर्थात जिस पशु को अपन खरीदने के लिए गए हैं उस पशु के टोटल नंबर कितने आ गए, 76 या 76। फिर अपने पास में क्या है, एक इंडेक्स होती है, अपने पास में एक इंडेक्स होती है। इंडेक्स ये तीन प्रकार की है, नंबर एक उत्तम या अपन बोल सकते हैं साधारण पशु, साधारण पशु। नंबर दो उत्तम और नंबर तीन सर्वोत्तम पशु। अपने पास में ये एक इंडेक्स है, साधारण पशु, उत्तम पशु और सर्वोत्तम पशु। साधारण पशु के जो अंक आते हैं वो आते हैं 0 से लेकर 50। उत्तम पशु के जो अंक डिटरमिनेट किए गए हैं वो किए गए हैं 51 से 75 और सर्वोत्तम पशु के जो अंक डिटरमिनेट किए गए हैं वो किए गए हैं 76 से 100। अब अपन जिस पशु को खरीद रहे हैं उस पशु के कितने अंक आए, 76। कितने अंक आए, 76 आए। अब अगर अपन पशु खरीद के लाते हैं और अपन से कोई पूछता है कि कल जो पशु खरीद के लाया वो कैसा था, तो अपन बोल सकते हैं कि वो पशु सर्वोत्तम था, अच्छा पशु है। अगर किसी पशु के अंक सपोज कीजिए 55 आ गए और अपन से कोई पूछता है कि जो कल पशु खरीद के लाए हो वो कैसा पशु था, तो अपन बोल सकते हैं वो पशु उत्तम था, ठीक ठाक था, अच्छा था। अगर किसी पशु के अंक 45 आ रहे हैं और फिर अगर आप उनसे पूछता है तो अपन कह सकते हैं कि जो पशु मैं खरीद के लाया हूं वो पशु नॉर्मल है, साधारण सा पशु है, ज्यादा अच्छा पशु नहीं है। तो देखो जो पशु अपन खरीद के लाए उसके 76 नंबर थे, अर्थात वो जो पशु है वो कैसा है, सर्वोत्तम पशु है। इसके अलावा इस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, एनिमल्स की प्राइस डिटरमिनेशन भी कर सकते हैं, एनिमल्स की प्राइस या उस पशु का मूल्य भी पता कर सकते हैं। जैसे अपन को पता है कि प्रेजेंट टाइम पर सबसे अच्छी कोई भी बफेलो है उसकी कीमत सपोज कीजिए 1,00,000 रुपए, सबसे अच्छी अगर किसी भी पशु के अंक 100 में से 100 आ गए सपोज कीजिए, उस पशु की कीमत, बहुत अच्छे पशु की कीमत 1,00,000 रुपए है, सभी गुणों से भरपूर जो भैंस की नस्ल है उसकी कीमत सपोज कीजिए 1,00,000 रुपए है, तो अपन जिस पशु को खरीद कर लाए हैं ना उस पशु की उम्र कितनी हो जाएगी, 76,000। तो ये एज डिटरमिनेशन के लिए भी अपन इस मेथड को काम में ले सकते हैं, ठीक है, बाकी का देखेंगे। थैंक यू।